इंसाफ है और इंसाफ की बुनियाद जो है वो अदल पे है, और उसी अदालती निज़ाम का जो शख्स मजाक बना रहा है, हमारी समझ से सोच से बालातर है कि एक मुल्ज़िम है उसके वकला जो हैं वो गारंटी देते हैं कि वो अदालत में पेश होगा। जब एक वकील की गारंटी ख़त्म हो जाती है और इमरान खान पेश नहीं होता तो नया वकील आ जाता है, वो वकील अंडरटेकिंग देता है कि जी अगली तारीख पे पेश होगा, बराए मेहरबानी जज साहब एक और मौका दे दें, तो अगली तारीख पे वो वकील साहब भी गायब हो जाते हैं। बाबर रवान साहब कई मुकदमात में पर्सनल गारंटी देकर गए लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए, और आज भी ये हुआ कि इमरान खान की तरफ से कोई वकील नहीं था। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी नौयत का एक बहुत अहम मुकदमा है जिस पे पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो खड़ी हैं और वो देख रही हैं कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ एक 11 साल का जो जुवेनाइल बच्चा है उसके लिए और है, और एक जो शख्स ताकतवर है जो अदालती निज़ाम को ललकारता है, जो अदारों को ललकारता है, उसके लिए और है। 11 साल के बच्चे को तो आप हथकड़ी लगा के, जुवेनाइल को तो अदालत के आगे हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी पेश करती हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एसपी साहब सिर्फ जाते हैं वहां पर और उसको बताते हैं कि जी मैं आ गया हूं, मैं जज साहब का ऑर्डर लेकर आया हूं आपके पास, आपको अदालत में बुलाया है, आपके वारंट हैं, जी बराए मेहरबानी बाहर हो जाएं। तो ये जो एसपी साहब हैं, ये एसपी साहब पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक नहीं बना रहे कि ये अदालती निज़ाम पाकिस्तान का जो है वो कह रहा है कि आप मुलजिम को पकड़ के मेरे आगे पेश करें, और वो एसपी साहब जाते हैं जाके घंटा वहाँ पे पूरा एक मीडिया का एक पूरा ड्रामा होता है, उसके बाद घंटे बाद एसपी साहब वहाँ से तशरीफ ले जाते हैं और फिर उसके बाद रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि इमरान खान को अदालती औकात कार की कोई परवाह नहीं, नवाज शरीफ अदालतों में बर वक्त पेश हुआ करते थे।